फ्रेंड्स, आप भी अगर एक यूट्यूबर हैं तो आप भी चाहते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल का एक अच्छा लोगो हो। हालांकि लोगो बनाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप अपने मोबाइल के एंड्रॉयड फ़ोन से भी एप्लीकेशन आती है बहुत सारी ऐसी जिसमें यूट्यूब चैनल का लोगो बनाते हैं। आज मैं आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर यूट्यूब चैनल का लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ और उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सिखाऊँगा। आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने 2-3 लोगो बना रखे हैं ऑलरेडी, उसको मैंने शो किया है। ये मैंने एडोब फोटोशॉप के अंदर तैयार किए है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने 2 फोटोज़ नज़र आ रहे हैं जिसमें मैंने एक लोगो ऑलरेडी पहले से बना रखा है और दूसरा मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी ऐसा एक इमेज ले लेना है सर्किल टाइप का जिसमें आपको लोगो बनाना है। ये इमेज सर्किल का आपको गूगल से मिल जाएगा, मैंने भी गूगल से डाउनलोड किए हैं, तो आप भी वहाँ से इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि आप मैनुअली भी बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये लोगो आने के बाद आपको टाइटल बार पे क्लिक करना है। आपको राइट साइड में जो एक मेनू बार दिख रहा है उसमें एक टाइटल बार है, आपको देख रहे हैं। टाइटल बार पे क्लिक करने के बाद में आप अपने हिसाब से टाइटल सेट कर सकते हैं। टाइटल सेट करने के बाद में इसको मूविंग टूल से सेट कर देंगे हम। ये देख रहे हैं आपके सामने, इसको एडजस्ट करने के बाद में आपको लग रहा है कि कलर चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको शिफ्ट कंट्रोल प्लस डिलीट दबाना है। जैसे ही आप डिलीट दबाएंगे तो जो साइड में आपने जो कलर सेलेक्ट कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर रखा है, तो वही कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद में इसकी ग्लो कैसे देनी है फ्रेंड्स, ग्लो वैसे तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे देते हैं, लेकिन मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता हूँ। टाइटल के अंदर अगर आपको डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है तो आपको अल्ट के साथ में उसको माउस से ड्रैग करना है। जैसे आप अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे उसकी डुप्लीकेट लेयर बन के तैयार हो जाती हैं, और उस लेयर को हल्का सा आप लेफ्ट या राइट करके उसको ग्लो में शो कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसमें शो में दिखा रहा हूँ कि आपको ग्लो शो करना है, तो आपको उसको ये सेम देख रहे हैं आपके इसके बैकग्राउंड में जो है वो इसी का ही टी का ही एक भाग है। उसके बाद में आपको इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर देना है। ये देखिए PNG फॉर्मेट में सेव हो गया। सेव होने के बाद फ्रेंड्स, आप इसको अपने यूट्यूब चैनल के, फाइनली हमारा लोगो बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स, आप इसको यूट्यूब चैनल पे लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।